गाड़ी हम लोग जयरामपुर मोड़ से हम और मेरा भतीजा जा रहे थे घर वापस, तो जोड़िया के पास बाइक से तीन गो था एक बाइक में, वो लोग पूछ रहा है कि नॉर्थ तीसरा किधर। तीसरा थाना क्षेत्र की जोड़िया नदी के समीप अज्ञात अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। अज्ञात अपराधियों ने मोटरसाइकिल पर सवार युवक के साथ मारपीट भी की। मोटरसाइकिल सवार युवक तेसा थाना अंतर्गत कुइया बस्ती का रहने वाला है। गोपी मांझी अपने भतीजे जीत मांझी के साथ जयरामपुर मोड़ से वापस अपने घर कुइया बस्ती जा रहा था। इसी क्रम में कुइया जोड़िया शमशान घाट के समीप कुछ अज्ञात अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर मोटरसाइकिल सवार युवक के साथ मारपीट कर बाइक छीनकर फरार हो गया। घटना के संबंध में युवक ने बताया कि बाइक सवार तीन अपराधियों जो कुइया जोड़िया शमशान घाट के समीप बाइक रोक और नॉर्थ तीसरा का पता पूछ रहे थे, इसी क्रम में पीछे से एक अपराधी ने सिर पर पिस्तौल से मारा और बाइक छीन लिया और भागने की धमकी दी और कहा कि भागो नहीं तो मार देंगे। तभी युवक डर से अपने भतीजे के साथ जान बचाकर भागने लगे। घटना करीब 7:30 बजे का बताया जा रहा है। घटना के बाद युवक ने तीसरा थाना में लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। वही तीसरा थाना पुलिस त्वरित कार्यवाही करते हुए खोजबीन शुरू कर दी है। गाड़ी हम लोग जयरामपुर मोड़ से हम और मेरा भतीजा जा रहे थे घर वापस, तो जोड़िया के पास बाइक से तीन गो था एक बाइक में, वो लोग पूछ रहा है कि नॉर्थ तीसरा किधर से जाएगा, तो हम लोग भैया गलत रास्ता आ गए हैं, लोग उधर जाइए। तब तक एक आदमी उतर के गाड़ी का बाइक चाबी बंद कर दिया और एक आदमी पीछे से मारा माथा पे। कैसे से मारा? पिस्तौले से मारा है तब ना माथा में लगा होगा। उसके बाद हम ध्यान नहीं दिया, अंधेरा था वहाँ, तो तब तक बोलता कि भागता कि नहीं, गाली देने लगा, ठोकिए देंगे। तब हम दौड़ के भागने गाड़ी छोड़ के भागने सोचते। तो लगभग कितने लोग वहाँ पे थे? वहाँ पे और कोई आदमी नहीं आया। जब तक हम लोग दौड़ रहे थे तब तक उधर से एक बाइक वाला आ रहा था, तो हम लोग क्या हुआ क्या, तो हम लोग बोले कि गाड़ी छीन के भाग गया, तो वो भी कौन था पता नहीं, तो हल्ला करते हुए पीछा किया। कितने समय की बात है ये और कौन सा गाड़ी था? होंडा साइन एसपी। समय बताइए। 7:30 बजे। 7:30 बजे। आपके साथ में कौन कौन थे? हाँ, मैं और मेरे भतीजे। क्या नाम है आपका? गोपी कुमार मांझी। जो अभी छिनताई हुआ तो हम लोग थाने में आए हुए हैं और स्थिति 7 बजे 6:30 बजे यदि आपका गाड़ी और बाइक छीना जाता है तो लोग को क्या होगा? आना जाना हम लोग का यही रास्ता है। लोग आज MOCB से लेकर सुलुंगा से लेकर लोग जब स्टेशन से लोग आते हैं तो वही रोड होके आते हैं कि सुरक्षित है, है? आज ये सुरक्षित रूट में यदि आपका ये छिनताई हो जाएगा तो इसके लिए तो प्रशासन के बहुत ही है। और इसके बाद प्रशासन भी कुछ दिन के पहले 15 बाइक मतलब जब्त किए हैं, इसमें उनको धन्यवाद देते हैं। और इनको पूर्ण भाव से यहाँ जितना चोर चपटैया है उसको पूर्ण भाव से लेने का जरूरत है। आज इसको समाज की बात है, सब आम जान माल की सुरक्षा की बात है। आज जो रिवॉल्वर दिखा के आज रिवॉल्वर से कुंडा से मार के तो सब तो डर से तो ये कर गया। एक तो लाइट हम मुखिए थे तो उस टाइम हम एक तो लाइट पोल गाड़ के एक तो लाइट तार टना के लगवा दिए थे। तो इसके बाद एजेंट साहब से अगला एजेंट साहब थे कैशव साहब से बोले थे कम से कम यहाँ से ये लाइट लगाइए। कुछ दिन और पहले मंगल बावरी का भी हत्या हो गया, हमारे गाँव के थे, हमारे पड़ोस थे, उनका हत्या हो गया था कहीं को लाइट का। तो BCCL के लोग आते हैं जाते हैं, कम से कम लाइट का व्यवस्था होना चाहिए। जब आज लोग बोला जाता 5 किलोमीटर दूर का आपको सुविधा देना है, आज तक तो कुछ नहीं, हम लोग का जमीन जगह गया तो सुविधा नहीं, फ्री का लाइन होना चाहिए गांव में, वो तक नहीं दे रहे हैं BCCL, जो हम ही लोग का जमीन में लोग अभी खनन कर रहे हैं। अभी प्रशासन को लिखित रूप से दिए क्या आपको? नहीं, अभी लिखित रूप से प्रशासन को दे रहे हैं जिनका बाइक गया है। क्या नाम हो गया आपका? संजय कुमार महतो, पूर्व मुखिया अंटल पंचायत।